स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ट्वेल्थ चैप्टर सो दिस इज द स्टोरी एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द मंकी एंड द एलिफेंट द मंकी एंड एलिफेंट ये इस स्टोरी का टाइटल है ठीक है अब ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है बच्चों ये मंकी और एलिफेंट के बारे में ये स्टोरी है ठीक है तो स्टोरी को रीड आउट करते हैं देन उसके बाद इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि स्टोरी में क्या है ठीक है तो इसको रीड आउट करते हैं यहां से और साथ साथ इसका हम मीनिंग भी समझेंगे अ अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर प्लेइंग ऑन ट्री इन द जंगल सडनली दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एनिमल्स ट्रम्पेट द मंकीज वर एफरेट दे रैन अप एंड डाउन द ट्री तो एक बार की बात है ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब मंकी का ग्रुप खेल रहा था और वो लोग कहाँ पर खेल रहे थे मंकी का ग्रुप कहाँ पर खेल रहा था ट्री पे खेल रहे थे वो है ना एक जंगल में एक ट्री था वहां पर मंकी का ग्रुप खेल रहा था अचानक से सडनली वो लोग किसकी आवाज सुनते हैं वो लोग एलिफेंट के ट्रम्पेट की आवाज सुनते हैं मतलब एलिफेंट की आवाज सुनते हैं एलिफेंट ट्रम्पेट मतलब एलिफेंट की वो लोग आवाज सुनते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम ग्रुप ऑफ मंकीज की बात कर रहे हैं है ना सडनली वो लोग एलिफेंट ट्रम्पेट सुनते हैं साउंड ऑफ एलिफेंट Trumpets, मतलब एलिफेंट की आवाज आप लोगों ने सुनी है एलिफेंट की साउंड कभी भी, भी? सुनिए आप लोगों ने ट्रम्पेट की तरह होती है ना इसीलिए एलिफेंट उसको बोला जाता है ठीके? फिर क्या होता है मंकीज डर जाते हैं क्यों क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है और मंकी उनके सामने एलिफेंट के सामने छोटे होते हैं है ना तो एलिफेंट मंकी uh, डर जाते हैं जो सारे मंकीज हैं वो डर जाते हैं और वो ऊपर नीचे भागते हैं कोई ट्री के ऊपर भाग जाता है कोई ट्री के नीचे मतलब इधर उधर भागते रहते हैं डर के मारे कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया जब आपको डर जाए है ना तो वही हालत मंकीज की होती है क्योंकि वो बहुत डर जाते हैं एलिफेंट के एलिफेंट की आवाज से देन उसके बाद क्या होता है सोन द एलिफेंट केम वेरी क्लोज टू द ट्री आ लिटिल मंकी लुक्ड अप एट द एलिफेंट एंड स्म अब जल्दी से क्या होता है अब वो लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि तो उन्होंने एलिफेंट की आवाज सुन ली है अब जल्दी से एलिफेंट जो है ट्री के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है वहीं पर एक मंकी होता है ठीक है ग्रुप ऑफ मंकी में से एक मंकी वहीं पर होता है अब वो एलिफेंट की तरफ ऊपर देखता है और उसको स्माइल करता है ठीक है मंकी एलिफेंट की तरफ देखता है और उसको स्माइल करता है देन उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द एलिफेंट पिक्ड अप दिटल मंकी एंड पुट हिम ऑन हिज बैक द लिटिल मंकी श्रीड विंकी है वो एलिफेंट की तरफ स्माइल करता है नीचे से ऊपर की तरफ फिर एलिफेंट क्या करता है एलिफेंट उसको उठा कर उसको पिक करके पिक करना मतलब उसको ऐसे उठाकर एज यू कैन सी इन जिस पिक्चर पिक कर रहा है, है अपने सूं से वो उसको पिक कर रहा है तो एलिफेंट अपने सूड से मंकी को उठा अपनी बैक के ऊपर रख देता है, है ना बैक पर उसको बिठा देता है पुट कर देता है उसको अपनी बैग पे द लिटिल मंकी श्रीक विद जॉय और लिटिल मंकी बहुत जॉयफुली चीखता है श्रीक का मतलब क्या होता है बच्चों चीखना ठीक है तो लिटिल मंकी बहुत जॉयफुली होकर चीखता है जैसे अरे मजा आ गया ऐसे चीखता है देन उसके बाद वॉट डू यू थिंक हैपन्ड नेक्स्ट तो अब क्या सोचते हो अभी आपने स्टोरी सुनी इसमें सस्पेंस आ आगे और भी अब क्या सोचते हो क्या आगे हुआ होगा अभी हमने देख लिया एलिफेंट ने तो उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया अब देखते हैं क्या होता है द अदर मंकीज सॉ दिस वन बाय वन दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री ऑन टू द एलिफेंट बैच द एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग द मंकीज हैड अ जॉली गुड एलिफेंट राइड अब एलिफेंट क्या करता है फिर जबकि तो सारे मंकी उसकी बैक पर बैठ जाते हैं अब एलिफेंट चलना स्टार्ट कर देता है मूव करना स्टार्ट कर देता है अब जब एलिफेंट मूव करेगा तो मंकीज का तो मजा ही आएगा ना उनकी तो राइड हो जाएगी ठीक है तो द मंकीज हैड अ जॉली गुड एलिफेंट राइड तो फिर मंकीज ने बहुत अच्छी और अच्छी और जॉली राइड ली ठीक है एलिफेंट राइड ली तो एलिफेंट राइड, तो राइड हो गई सारे मंकीज की तो सो दैट इज योर स्टोरी अच्छी थी स्टोरी बहुत अच्छी थी और बहुत शॉर्ट स्टोरी थी एंड सिंपल स्टोरी थी। ओके, लेट्स कम टू एक्सरसाइज पार्ट। थीउट दर्स्ट क्वेश्चन इज है राइड ऑन एनी एनिमल तो ये आपका इंडिविजुअल आंसर होगा क्या आपने किसी एनिमल के ऊपर बैठकर राइडिंग की है तो मेरा आंसर यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर आंसर दिया है यस आई हैड अ हॉर्स राइडिंग तो मैंने हॉर्स राइडिंग की है मतलब हॉर्स के ऊपर बैठ के सवारी की है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डिड द मंकीज फील व्हेन दे हर्ड द एलिफेंट ठीक है तो जब मंकीज uh, ने एलिफेंट की आवाज सुनी थी एलिफेंट स्ट्रम्प सुनी थी तो उनको कैसा फील हुआ था तो उनको तो डर लगा था ना उनको लगा था कि एलिफेंट है वो उनको हार्म करेगा है ना तो वो लोग डर गए थे तो आंसर होगा हमारा द मंकीज वर दे हर्ड द एलिफेंट तो मंकी मंकी लोग डर गए थे जब उन्होंने एलिफेंट को सुना था एलिफेंट की आवाज सुनी थी तो वो लोग डर गए थे कि एलिफेंट तो बहुत बेग एनिमल है वो उनको हार्म पहुंचा सकता है वो जब तो इधर उधर भागने लग गए थे ऊपर नीचे लेकिन जब उनको पता चला जब एलिफेंट उनके पास आया तो उनको पता चला कि एलिफेंट तो बहुत ज्यादा प्यारा है वो तो किसी को हार्म ही नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वाई डिड द लिटिल मंकी स्माइल एट द एलिफेंट तो लिटिल मंकी ने एलिफेंट की तरफ देख के स्माइल क्यों किया था क्यों क्योंकि वो उससे नहीं डर रहा था उस टाइम पर क्योंकि एलिफेंट तो बहुत अच्छा था ठीक है तो आंसर है द लिटिल मंकी स्माइल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट एफरेट लिटिल मंकी जो छोटा सा मंकी था वो एलिफेंट की तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसको डर नहीं लग रहा था एलिफेंट से क्योंकि पहले वो लोग डर रहे थे कि एलिफेंट तो बहुत बेगे एनिमल है लेकिन जब एलिफेंट उनके पास आया तो उनको पता चला कि नहीं एलिफेंट तो बहुत ज्यादा प्यारा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी तो क्या elephant, uh, क्या एलिफेंट एलिफेंट को जो लिटिल मंकी है वो पसंद आया था यस yes, हमने यही तो देखा था तभी तो उसने उसको अपनी बैक पर बिठा लिया था है ना तो उसका आंसर होगा यस एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वाई डिड द अदर मंकीज ड्रॉप डाउन द ट्री अब जो तो बाकी के और भी मंकीज थे वो नीचे ट्री से क्यों उतर कर आ थे? और कहां पर उतरे थे वो एलिफेंट की बैक के ऊपर है ना सारे एक एक करके उतर कर आ गए थे ये तो हमने लास्ट में स्टोरी के अंदर देखा था तो इसका आंसर है द अदर मंकीज ड्रॉप डाउन द ट्री जो अदर मंकीज थे वो ड्रॉप मतलब नीचे क्यों आ गए थे एलिफेंट की बैक के ऊपर क्यों आ गए थे बिकॉज दे सो दैट एनिमल तो अच्छा उन्होंने देखा था कि जो लिटिल मंकी है तो बड़े मजे कर रहा है एलिफेंट के साथ क्यों ना हम भी जाए हम भी मजे करें ना? तो वो इसीलिए एलिफेंट की पैक के ऊपर एक एक करके उतर कर आ गए सारे के सारे मंकी ओके सो देशन आंसर इनके आंसर्स हो गए ना वी हैव अक्शन लेट्स ट्राई दिस ये भी आपकी स्टोरी से ही रिलेटेड है तो उसको भी स्टार्ट करते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट टू फिलिंदा ब्लैंक्स ठीक है तो आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपके फिलिंदा ब्लैंक्स है आपको करेक्ट फॉर्म को चूज करके यहां पर फिल करना है और आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं बट आपको इनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है ठीक है वन हैज बिन डन फॉर यू एक आपको यहां पर करके दिखाया हुआ है द मंकी इन अंगल ठीक है तो यहां पर लिव लिखा हुआ है लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है कैसे चेंज हो गई मंकी कहां पर रहते थे मंकी जंगल में रहते थे क्योंकि जो जो आपकी स्टोरी है ये पास्ट फॉर्म में है है ना? ये में नहीं है ये तो ये पास्ट 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 फॉर्म 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 में में ना प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं नहीं तो इसलिए पर पर यूज यूज होगी होगी क्वेश्चन वी हैव हमें खुद अटेम्प्ट Now we have suddenly they dash an animals. Uh, suddenly they dash an elephant trumping, trumping. ठीक है? So तो suddenly उन्होंने क्या सुना था? Elephant की आवाज सुन ली थी. तो so यहाँ पर क्या आएगा? Here की जो second form होती है वो heard होती है. Okay? तो so suddenly they heard an elephant trumping, trumping. Fourth question we have. A little monkey dash near the

किया उठाया ठीक है एंड डैश इट आर राइट और उसको क्या दिया एक राइट दी तो यहां पर आएगा give का, give का गिवेंड फॉर्म होगा ठीक है, राइट दी अपनी बैक पर उठाकर ओके स्टूडेंट्स हमने ये ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट कर दिया लेट्स कम टू स्लाइड इन स्लाइड वी ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये क्वेश्चन है आपका लिसन एंड रिपीट तो इसमें आपको वर्ड्स की साउंड पे फोकस करना है एंड मेरे साथ पीछे रिपीट करना है सो लेट्स डू इट टेल, टॉयल, बेल बॉइल एल ऑयल फेल फॉइल कैन कॉइन ठीक है नाउ वी हैव योर थर्ड क्वेश्चन लुक एट सेंटेंस गिवन बिलो तो इसमें आपको क्या करना है सेंटेंस पहले आपको जो दे रखा है आपको उसको देखना है फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है तो सेंटेंस क्या है हमारे पास आई लाइक मिल्क मतलब मुझे मिल्क पसंद है जो भी चीज हमें पसंद होती है हम उसको किस तरीके से बोलते हैं बच्चों आई लाइक दिस आई लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एपल्स और आई लाइक बॉटल्स आई लाइक बुक्स है ना ऐसे ऐसे हम बोलते रहते हैं जो भी हमें चीजें पसंद होती है तो यहां पर सेंटेंस लिखा है आई लाइक मिल्क मतलब मुझे मिल्क पसंद है नाउ कंप्लीट

स्वीट्स आई डो नॉट लाइक ब्रिंजल मुझे बैगन पसंद नहीं है ठीक है तो यह आपके अपने इंडिविजुअल आंसर होंगे आई लाइक फुटबॉल मुझे फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलना पसंद है डू यू लाइक क्रिकेट क्या आपको क्रिकेट पसंद है वी लाइक कोल्ड ड्रिंक हमें कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है वी डू नॉट लाइक ग्रीन टी हमें ग्रीन टी पसंद नहीं है ओके स्टूडेंट्स सो वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर हियर आई होप You have understood the chapter and all the exercise questions. Thank you so much.